सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ही फील्ड अटेंडेंट, असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है और अधिकतम 27 साल की उम्र तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर ऐसे भी कहा गया है कि पोस्ट वन के लिए उम्मीदवार की उम्र 27 साल तक होनी जरूरी है। 27 साल के आगे अगर उम्मीदवार की एज हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। और 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए पोस्ट 3 से 7 और 9 पोस्ट के लिए, और 18 से 30 साल होनी जरूरी है पोस्ट 2 के लिए और 10 से 14 तक के लिए। 18 से 27 साल की उम्र तक उम्मीदवार पोस्ट 8 के लिए अप्लाई कर सकता है और 20 से 25 साल की उम्र तक का उम्मीदवार पोस्ट 15 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एज रिलैक्सेशन और यहाँ अप्लाई होगा, पर एज लिमिट यहाँ पोस्ट के अनुसार वेरी कर रही है। उम्मीदवार को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा होगी, पर उसके पहले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार को प्रतिमाह 5,200 से 20,200 तक का वेतन मिलेगा और ग्रेड पे मिलेगा 2,000 तक का। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना हो तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक कर अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है, मिनिमम 10 पास और 12 पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है तथा बैचलर्स डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। मास्टर डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, कृपया आप ये जान लें। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी भारत के किसी भी कोने से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट यह बताई गई है 24 सितंबर 2017। आपके पास लगभग 20 दिन मिले हैं आपके पास इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होने के कारण भारत के किसी भी कोने से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलाना स्टेट का उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। भारत के किसी भी कोने से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, ये कृपया आप जान लें। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना हो तो आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। यदि आपको और जॉब्स की जानकारी चाहिए तो आप जॉब ओपनिंग, यदि आपको आपके स्टेट में जॉब चाहिए तो आप और जानकारी जॉब ओपनिंग बाय स्टेट इस टैब पर जाकर आपके स्टेट में जो जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है उनकी जानकारी आप पा सकते हो। जैसे यहाँ पर जॉब ओपनिंग बाय स्टेट इस टैब में आपको बहुत ढेर सारे स्टेट्स के नाम दिखेंगे, और जैसे आप उस स्टेट पे क्लिक करोगे, जैसे यदि मैं यहाँ बिहार पे क्लिक किया हूँ मैंने, तो जैसे मैं बिहार पे क्लिक करूंगा बिहार पे जो जॉब वैकेंसी अवेलेबल है उनकी जानकारी मुझे मिल जाएगी, और जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा पूरी पोस्ट ओपन हो जाएगी और मैं उसे रीड कर अप्लाई कर सकता हूँ। तो सीधे साधे तरीके से मैं यहाँ पर जॉब्स की जानकारी पा सकता हूँ और अप्लाई भी कर सकता हूँ। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर रोज आएंगे और आप हर रोज नए जॉब रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्त को नई जॉब गवर्नमेंट जॉब दिला दे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।